लोग, और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज भी मैं आपके लिए एक रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज बनाऊंगी खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। जैसे मैंने वेजिटेबल का दलिया बनाया था, आज वैसे ही मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, और वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब नंबर वन है। तो स्टार्ट करें। ओके, ये गैस ऑन करती, अपना जो कुकर है ये इसके ऊपर आप डाल दीजिए। इसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया है, और आलू, ये टमाटर लिया हुआ मैंने, ये मैंने थोड़ी सी मटर ली हुई है। आप इसके साथ साथ इसमें गाजर डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो सब डाल सकते हैं। खिचड़ी का मतलब यही है ना, सब कुछ मिला के उसकी खिचड़ी बनाना, मतलब आप कुछ भी डालो, आपकी मर्जी है। फिलहाल मेरे पास यही था तो मैं यही यूज़ करूँगी, ठीक है। हाँ, और इसको मैं बनाऊँगी देसी घी में, जैसे मैंने दलिया बनाया था। हम देख लेते हैं, ये पानी बिल्कुल सूख चुका है कुकर का, और ये डाल दिया हमने अपना घी। ये घी डाल दिया है, मेरे कल वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था, जो थे वो बाहर से थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था उन्होंने। आप लोग भी कमेंट्स प्लीज़ कीजिए, आप लोग तो हमारे घर के ही हो, बाहर के थोड़ी ना हो, वो कर सकते तो आप तो कर ही सकते हो ना। ये डाल दिया हमने जीरा, बहुत ही लाइट, आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, इसको डिनर में भी ले सकते हो, बहुत ही हल्का है ये, ज़्यादा हैवी है नहीं, क्योंकि यार ये सब लोग बाहर कुछ ना कुछ खा के आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं खिचड़ी बना देती हूँ, पेट भी अच्छे से भर जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई टाइम नहीं लगता इसमें, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। ये हमारा जो तेल है हो चुका है, ये हमने अपने जो प्याज है वो डाल दिए, ये मैं ट्राई कर रही हूँ स्टैंड मंगवाने की, नया वो स्टैंड आ जाता तभी तो दिक्कत ही नहीं है किसी चीज की, लेकिन फिलहाल अभी मैं कैमरामैन से काम चला रही हूँ। तो अपना प्याज काट लेते हैं। देखो मैं ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक का भी यूज कर सकते हैं, उनका पेस्ट बना के इस स्टेज पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा है नहीं, तो जो नॉर्मल अपने घर के मसाले हैं उसी से। हाँ, आप इसमें दाल भी ऐड कर सकते हो, चने की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये प्याज हमारे हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये हमारी हो गई है टमाटर, इसमें थोड़ा सा पहले हम नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से हमारे बन जाए। ये नमक डाल के थोड़ा सा हमको पका लेते हैं। ये सबसे बेस्ट रेसिपी बता रही हूँ मैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो लेकिन आपका मन कर रहा हो कि कुछ अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, टेस्टी खाएं, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आप
कि इससे क्या है कि बच्चे भी खुश होके खाते हैं, क्योंकि अगर आपको ये ना बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, ये सब्जी नहीं खाते, आप इसमें कोई भी सब्जी अपनी ऐड करो और आराम से बच्चे खा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका क्या लास्ट में सब खिचड़ी ये मैश हो जाएंगे, ये वो एक तरह से खिचड़ी का नाम ही खिचड़ी हो गया, तो उसमें क्या करना है पता ही होगा आपको। अब इसमें क्या करना अपने को, हरी मिर्च आज मेरे पास थी नहीं, वरना आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, दो मेरे पास आज है नहीं, खत्म हो गई है। चलो कोई बात नहीं, ये कोरिएंडर पाउडर डाला थोड़ा सा मैंने, ये थोड़ी सी मैंने डाल दी हल्दी, और ये लाल मिर्च बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च आप डाल दो, थोड़ा सा और नमक डाल दो, तब मैंने कम डाला था, और इसको अच्छे से मिला दो, ठीक है। ये मसाले पक रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी मटर डाल दो, और साथ ही साथ जो है आपके आलू ये भी डाल दो, और इनको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स होने दो, इसको कम से कम एक दो मिनट के लिए ऐसे रहने दो। और मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने चावल लिए, चावल कितना लिया, चावल मैंने बिल्कुल एक कप होता ना, एक कप से भी कम क्वांटिटी लिया चावल की, उनको मैंने भिगो दिया। अब इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी, और तब तक ये मसाला थोड़ा अपना एक से डेढ़ मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दो। ये देखिए दिख रहे हैं, इनको ऐसे अच्छे से मिलाना है। अब क्या करना है, ये देखिए मैंने ये कप चावल लिया था, इतना सा बिल्कुल कम, एक कप से भी बिल्कुल कम। अब पानी इसमें कितना डालना है, इसमें भी अपना खूब पानी लगेगा, एक दो और ये तीन, तो हमने इसमें कम से कम तीन गिलास हमने इसमें सॉरी तीन कप इसमें पानी डाला है। आप देख लीजिए कितना पानी है, ये देखिए बिल्कुल पानी पानी कर दिया है, तो हमें बिल्कुल पतली पतली बनानी है, इसमें थोड़ा और आधा कप और हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें जब तक उबाल ना आ जाए तब इस तब तक इसको ऐसे खुला ही पकाना है। मैं इसका ढक्कन से क्या करती हूँ, कहाँ पे है, कोई नहीं बोल दिया करो, कहाँ पे है, नीचे। इसमें एक उबाल आने तक इसको ऐसे ढक के पकाना है, फिर इसको बंद करके मीडियम पे कम से कम भी चार सीटियाँ लगवानी है, ठीक है, चार से पांच सीटियाँ, चार सीटियाँ इनफ होएगी, क्योंकि चावल भी हमने पहले भिगो दिए थे, चार सीटियों तक इसको पकाना है। इसको इसलिए उबाल रहे हैं हम, क्योंकि जब ये उबलेगा पानी इसका, इसमें ऊपर से हम हल्का सा घी और डाल देंगे, उससे जो इसका टेस्ट बनेगा ना A1 बनेगा। ये ट्रिक है इस रेसिपी की, नोट कर लेना। बाय द वे घी, ये वेढ़ा का घी, घी है ये, अमेजोन से लिया है, अच्छा घी है काफी, आप भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा ही घी जाना होता है, ज्यादा नहीं, ये हम इसमें डाल देंगे, ये डाल दिया, ठीक है। इसको करो बंद,
इसको अच्छे से घुमाओ, ठीक है, और इसको करो बंद। कम से कम इसमें 4 सीटियां आनी चाहिए, 4 सीटी बाद हम गैस को बंद कर देंगे। जब ये बनती है मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा टेक्सचर आया है। ओके, खुशबू एक नंबर की मस्त आ रही है। इसमें मेरे को लग रहा थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते तो और अच्छा होता, लेकिन अभी भी ठीक है। और आपको मैं ये टेस्ट करके और बताती हूँ कैसा बना है। ये देखिए चावल बिल्कुल ही मैश हो चुके हैं। इसमें ये सब अपना जो डाला था मटर आलू सब मैश हो चुका है, बिल्कुल हल्का खाना है। एज यूजुअल बढ़िया ही है, मेरे से कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, प्लीज लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आती रहूंगी। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।